पहले मांग उठाई, क्या वजह है? आपको क्या लग रहा था कि भाई सीबीआई जांच क्यों होनी चाहिए? वो इसलिए लग रहा था कि जो मतलब एक्सरसाइज करते हो, जो कलाकार हो, और एकदम खबर आना कि भाई उनकी हत्या हो गई, सॉरी हार्ट अटैक हो गया, तो किसी को जचने वाली बात है नहीं। और हमारे को इस चीज़ का अंदेशा था, ये चीज़ मैं 100% आपको ये कहता हूँ, राजनीतिक साजिश कर गए, राजनीतिक हत्या है ये, और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। सीबीआई एक मिनट, अगर सीबीआई की जांच हो जाए हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में, तो ये सारे मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। अभी जो पकड़े गए हैं वो मछली हैं, और बहुत प्री प्लान्ड तरीके से ये हत्या करी गई है। और शुरू में मैंने कहा था, एक घंटे खबर आने के एक घंटे बाद मैंने बता दिया था कि ये हत्या है, तो उस टाइम पे लोग मेरे को भी ये कह रहे थे कि यार तेरे को क्या बता, तेरे को अब आ रही है ना रिपोर्टें निकल के। और जिस तरह से गोवा पुलिस का रवैया रहा है परिवार के साथ, उससे दिख रहा है, और जिस तरह से गोवा पुलिस के डीजीपी जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे चोट लग गई होगी, वो तो आने जाने में लग गई होगी, ये होगी, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर इसकी निष्पक्ष जांच हो जाएगी तो बड़े बड़े मगरमच्छ फंसेंगे, बड़े बड़े राजनेता फंसेंगे, इस सरकार को मुश्किल हो जाएगी। आप तो कहीं ना कहीं सीबीआई के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, हाई कोर्ट के सीटिंग जज के आगे होने चाहिए। तो फिर क्या बात होगी उसमें, कराने में क्या प्रॉब्लम है? और इतने मामले हैं, सीबीआई जांच नहीं चल रही है देश में। अब सीबीआई का मतलब ये थोड़ी है यार, मतलब पैसे पैसे वाला छापे मारने हैं। सीबीआई का ये भी मतलब है, अगर भी इस तरह की जो मिस्ट्री से डेथ होती है, हत्या होती है, तो उसका भी तो पता चलना चाहिए। कल सुभाष चंद्र जी आए थे, उनसे बात की थी कि भाई सीबीआई से जांच होनी चाहिए, सारे मैटर सीबीआई को दे देंगे तो फिर तो पुलिस को भी सीबीआई में ही तब्दील करना पड़ेगा। क्यों डर रहे हैं सीबीआई? मेरा क्या है ना समझ में आ रही भाई, मैं तो सिटिंग जज की बात कर रहा हूँ साथ में, ये बिना मतलब जज के ही डर रहे हैं। बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, आप इस चीज़ को 100% लिखवा के ले लीजिए, और हम उस परिवार के साथ हैं, और हम तो यही कह रहे हैं। मुख्यमंत्री का बड़ा अजीब बयान है, मुख्यमंत्री क्या कह रहा है, अगर वो लिख के दे दें एफिडेविट देनी पड़ेगी क्या? अरे रोज बता तो रहे हैं, सारा देश सुन तो रहा है, अगर सीबीआई जांच करा दो। इनके दाह संस्कार होने से पहले ही सीबीआई की जांच मुख्यमंत्री को करनी चाहिए थी, अगर वो ईमानदारी से बात करते, ईमानदारी होती तो। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जो 15 साल तक एक पार्टी में रही हैं, उसके अलावा जिन्होंने चुनाव लड़ा है, जो एक कलाकार रही हैं, और उनकी हत्या पे जब पूरा हरियाणा सवाल उठा रहा है मौत पर, तो उसमें सीबीआई जांच में तो मुझे नहीं लगता भाई कुछ वो प्रॉब्लम थी। बाकी ये दिख रहा है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब 15 साल जिसने संगठन में काम किया, तो उस संगठन के लोग मेरे को तो यहाँ कुछ ऐसा लगे नहीं। डीजीपी हैं गोवा से, जसपाल सिंह जी, उन्होंने कहा है कि डेथ होने के बाद जब बॉडी को लेके जा रहे थे ना हॉस्पिटल, जब चोट लगी है, तो सबकी चोटें हैं। और क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले उस डीजीपी की जाँच होनी चाहिए, वो जो गोवा का डीजीपी डिफेंड कर रहा है ना, उसकी जांच होनी चाहिए। कौन कौन है इस पूरे के पूरे जाल के अंदर? वो तो सीबीआई बताओगी ना, इंक्वायरी होने दो, सारा का पता चल जाएगा, सरकार बचनी मुश्किल हो जाएगा। भाई जी ये राजनीतिक मामला है, राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक हत्या है, बड़े बड़े लोग हैं, और मगरमच्छ जो है इसमें शामिल है, ये मछलियों को पकड़ा गया है। कौन कौन है थोड़ा सा मगरमच्छ का बड़ा इशारा करके बता सकते हो? मैं तो कह रहा हूँ भाई, सारा हरियाणा का रहा, मैं कि अकेला कहूँ सारा हरियाणा का है, पूछ ले किसे, दौरिए इतने आदमी खड़े किसे तो पूछ ले, सारा हरियाणा ये कह रहा है कि ये पूरी तरह प्लान्ड करके हत्या की गई। बड़े मगरमच्छ का जिक्र करे आपने, उन बड़े मगरमच्छ ने एक छोटी सी बच्ची है यशोधरा वा नहीं दिखी, अच्छी बात करे, राक्षसा ने कुछ दिखाया, राक्षस के आगे तो कुछ भी आओ वो तो मारेगा, ठीक है ना। और हम तो उस बच्ची के लिए ही कह रहे हैं, लोगों को भी हम यही कह रहे हैं, अगर उस बच्ची की क्या गलती है। और मैं एक चीज़ और भी बता रहा हूँ, एक चीज को और भी ध्यान कर लेना है, ये जो अभी पकड़े गए इनकी भी जान को खतरा है, ध्यान रखना इसकी बात। अच्छा जी, हाँ, इनको भी किया जा सकता है, ये इनका भी ध्यान है, मैं बता रहा हूँ इनकी भी जान को खतरा है। एक छोटी सी बात और जाननी थी, जैसे ही वहाँ पर सोनाली जी की डेथ होती है, घर से डीवीआर कैमरे के जो लैपटॉप वगैरह काफी सारा सामान था, सारा चोरी हो जाए, यो कैसे होता है? और के कहूँ भाई, मैं तो कहूँ साजिश है, नेचुरली कोई होता, किसी ने क्या जरूरत है, सब कुछ पटा रहेगा, क्या प्रॉब्लम बता, ये साजिश है, तभी तो ये सारी चीजें हुई हैं। अभी तो कुछ चीजें पता चली हैं आपको, जांच पड़ताल हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या पता चलेगा। सरकार को कोई मैसेज देना चाहते हैं? सरकार का ये मैसेज है, सरकार गड़बड़ में है, 100% सरकार गड़बड़ है। अगर सरकार ईमानदार है तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में सीबीआई का तुरंत आदेश कर देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी चर्चाएं थी।